नमस्कार साथियों, आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 29/1/2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल कर रहे हैं। तो आज का अपना प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मात्रा में इकाई लक्स होती है, यानी लक्स किसकी इकाई होती है, यानी किसका मात्रक होता है लक्स। तो लक्स होता है प्रदीप्ति का, यानी ज्योति मेहता का। ज्योति मेहता क्या होता है कि किसी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंब दिशा में पड़ने वाला प्रकाश उस तल की प्रदीप्ति कहलाता है, यानी प्रकाशितता या ज्योति मेहता कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो लक्स या ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर कहो या लक्स कहो एक ही बात है। तो लक्स किसकी इकाई हो गई, यानी किसका मात्रक होता है, प्रदीप्ति का मात्रक होता है। तो देखो ऑप्शन क्या है, प्रदीप्ति सही है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं, ध्वनि नहीं, चुंबकीय चुंबकीय विभव नहीं, यूटिलाइजेशन फैक्टर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए प्रदीप्ति। अगला क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफेरेड का है समांतर में जुड़े हैं और इस संयोजन के श्रेणी में एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का जुड़ा हुआ है, तो तुल्य कैपेसिटेंस क्या होगा। क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटर है प्रत्येक 2-2 माइक्रोफेरेड के हैं समांतर में जुड़े हुए हैं। मान लो एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका मान क्या कह रहा है, ये है 2 माइक्रोफेरेड का और ये भी है 2 माइक्रोफेरेड का, इनके श्रेणी क्रम में 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर और जुड़ा हुआ है, तो इनका कुल कैपेसिटेंस सीटी बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसे हम सीटी वन कह सकते हैं। मान लो ये सी वन है, ये सी टू है और ये सी थ्री है, तो सीटी वन बराबर हो गया सी वन प्लस सी टू, क्योंकि समांतर क्रम में कुल कैपेसिटेंस जुड़ता है। तो क्या हो गया, 2 + 2 = 4 माइक्रोफेरेड। इसका समतुल्य कैपेसिटेंस क्या हो गया, 4 माइक्रोफेरेड। अब इसके साथ श्रेणी क्रम में, यानी एक तो ये हो गया 4 माइक्रोफेरेड का, यानी इन दोनों का मिश्रण का क्या हो गया, 4 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका कुल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1/CT बराबर 1/CT1 प्लस 1/C3। क्या हो गया, 1/CT1 का मान कितना है 4 प्लस 1/C3 का मान कितना है 1, तो ये हो गया 1/CT। तो 1/CT बराबर क्या हो जाएगा, इनका लघुत्तम कितना आ रहा है, 4, 4 का भाग 4 मिल गया, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 4 में 4, 4 को 1 से गुणा किया 4, तो क्या हो रहा है, इन दोनों कितना हो गया 4 और 1 5, तो 1/CT बराबर क्या हो जाएगा, 1/CT बराबर हो गया 5/4, तो CT बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 5 का भाग लगाओ 0.8, किस माइक्रोफेरेड में, तो माइक्रोफेरेड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 माइक्रोफेरेड, यानी इनका समतुल्य कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 0.8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो किस में है, देखो डी ऑप्शन में देखो 0.8 माइक्रोफेरेड, तो राइट आंसर हो गया डी 0.8 माइक्रोफेरेड। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप किस प्रकार का रंग देता है। सोडियम वेपर लैंप है वो जब प्रारंभिक में हल्का गुलाबी रंग देता है और पूर्ण प्रकाशित हो जाता है उसके बाद में तीव्र पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो डायरेक्ट दे रखा है, यदि प्रारंभिक में पूछ लेता तो हल्का गुलाबी, पूर्ण प्रकाशित होने के बाद, तो सीधा दे रखा है तो हम पूर्ण प्रकाशित होने के बाद ही मानेंगे, क्योंकि सोडियम वेपर लैंप स्टार्टिंग का नहीं पूछते, क्योंकि प्रकाश किस प्रकार का देता है, सामान्यतः पूछे तो जो पूर्ण प्रकाशित हो जाता है उसके बाद क्या मांग पूछते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप पीले तीव्र पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो क्या हो जाएगा, देखो किसमें, ए में क्या है नीला, बी में लाल, सी में क्या है पीला, डी में गुलाबी और ई में सफेद, तो राइट आंसर हो गया सी, पीला रंग का प्रकाश देता है। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की शुरुआत के दौरान कैपेसिटर किस प्रकार जुड़ा होता है।
यानी कैपेसिटी स्टार्ट मोटर है, यानी स्टार्टिंग के समय ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, बाद में नहीं, तो क्या हो गया वो कैपेसिटी स्टार्ट मोटर है। तो कैपेसिटी स्टार्ट मोटर के अंदर कौन सी हो गई, दो वाइंडिंग हो गई, एक तो मुख्य वाइंडिंग, मान लो ये मुख्य वाइंडिंग, ये हो गया रोटर और ये हो गई एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग हम कह सकते हैं। तो एक कैपेसिटर और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो ये तो हो गया कैपेसिटर और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच, मान लो ये फेज और ये न्यूट्रल, तो ये हो गई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी इसे हम पूरी पूरा नाम ले तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर भी कह सकते हैं। तो इसमें शुरुआत में कैपेसिटर किस प्रकार से जुड़ा होता है, जो सहायक वाइंडिंग है या इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहेंगे, इसे मुख्य वाइंडिंग और यह स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये देखो ये कैपेसिटर है, इसके साथ श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो शुरुआती घुमाव कह सकते हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग कह सकते हैं या एक्सिलरी वाइंडिंग या सहायक वाइंडिंग कह सकते हैं, तो इसके साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ऑप्शन देखो, शुरुआती घुमाव के साथ श्रेणी क्रम में, शुरुआती घुमाव के साथ श्रेणी में और चालू घुमाव के साथ समांतर में, यानी क्या दे रखा है कि श्रेणी, शुरुआती घुमाव के श्रेणी में और चालू घुमाव के साथ समांतर में, स्टार्टिंग के तो श्रेणी में जबकि मुख्य वाइंडिंग के समांतर में, नहीं है गलत है, ये भी में क्या शुरुआती घुमाव के समांतर में और चालू घुमाव के श्रेणी में, ये भी गलत है, शुरुआती घुमाव के श्रेणी में सही है, शुरुआती घुमाव के समांतर में नहीं, या तो बी या सी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया सी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी शुरुआती घुमाव के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि घुमाव में क्वाइल की संख्या प्रति चरण प्रति ध्रुव केवल एक है, यानी वह वाइंडिंग जिसमें प्रति फेज प्रति पोल क्वाइल की संख्या एक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम संधारित्र वाइंडिंग कहेंगे। यही कह रहा है कि घुमाव में क्वाइल की संख्या प्रति चरण का क्या हो गया प्रति फेज प्रति ध्रुव, यानी प्रति फेज प्रति पोल केवल एक है, तो इसे हम संधारित्र वाइंडिंग कहेंगे, तो राइट आंसर क्या हो गया संधारित्र, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, कंसेंट्रेशन वाइंडिंग भी कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा संधारित्र। अगला क्वेश्चन है, टोंग टेस्टर एक उपकरण है जिसमें क्या होता है, टोंग टेस्टर यानी जिसे हम क्लिप ऑन मीटर भी कहते हैं, कि एक तो एमीटर होता है और एक करंट ट्रांसफार्मर होता है टोंग टेस्टर के अंदर, ऑप्शन देखो करंट ट्रांसफार्मर, एमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर सही है, यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है इसमें, ये तो होता है परंतु इसका उपकरण जिसमें क्या होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर और एमीटर दोनों ही होता है, तो करंट ट्रांसफार्मर यानी ये तो अधूरा दे रखा है, बी में क्या है एमीटर के साथ करंट ट्रांसफार्मर सही है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर नहीं, मिनिएचर ट्रांसफॉर्मर नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया बी, एमीटर के साथ करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत उपकरण इलेक्ट्रोस्टैटिक के आधार पर काम करता है, यानी विद्युत स्थितिज विद्युत के आधार पर काम करता है, ऑप्शन देखो इनकैंडेसेंट लैंप यानी तप्त दीप्ति लैंप, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, फ्यूज फ्यूज भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, इलेक्ट्रिक आयरन ये भी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, लाइटिंग रोड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पर काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर ये विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है इस पर काम करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी लाइटिंग रोड, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दो क्वाइल का सौ प्रेरक प्रेरण 4 मिली हेनरी और 9 मिली हेनरी है, यदि कपलिंग गुणांक 0.5 है तो क्वाइलों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्होंने प्रेरण क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा इन दोनों क्वाइलों के बीच में, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर क्या होगा के इंटू रूट L1 इंटू L2, तो K का मान क्या दे रखा है इसमें, कपलिंग गुणांक का मान दे रखा है 0.5 रूट यानी इंटू आ गया रूट, रूट में क्या है एक तो है 4 मिली हेनरी और एक है 9 मिली हेनरी, मिली हेनरी में है तो 4 × 9 तो कितना हो गया 0.5 इंटू रूट कितना होगा 9 × 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0.5 × 36 का हो रहा है 6, तो इसको गुणा किया 0.5 को 6 से गुणा किया कितना हो रहा है 3,
ये मिली हेनरी में है तो मिली हेनरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मिली हेनरी। इसमें है देखो डी ऑप्शन में, देखो 3 मिली हेनरी, तो राइट आंसर हो गया डी, 3 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर में प्रयुक्त कार्बन बुश किस लिए होते हैं, यानी एक जो विद्युत मोटर होती है इसमें जो बुश लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। ऑप्शन देखो, कम्यूटेटर पर कार्बन जमा ब्रश से हटाना, यानी कार्बन का जो जमाव हो जाता है उसको हटाना नहीं, प्रवाह के लिए करंट का एक मार्ग प्रदान करना, सही है, आर्मेचर घुमावों को अधिक गर्म होने से रोकना नहीं, कम्यूटेशन के दौरान स्पार्किंग को रोकना, इसके लिए तो इंटरपोल प्रयोग किए जाते हैं, ये भी नहीं, तो राइट ये सभी ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया बी, प्रवाह के लिए करंट का एक मार्ग प्रदान करना, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी शंट जनरेटर में क्या होता है, किसी शंट जनरेटर में क्या होता है। ऑप्शन देखो, कुछ हद तक डुपिंग विशेषताएं, यानी भार बढ़ने पर कुछ वोल्टता घट जाती है, यानी कुछ वोल्टता घट जाती है, सही है, सहरणीय रूप से बढ़ने की विशेषता, यानी भार बढ़ने पर कुछ वोल्टता बढ़ जाती है, नहीं, स्थिर वोल्टता विशेषता, स्थिर भी नहीं रहते इसके, यानी कुछ घट जाते हैं, सहरणीय रूप से गिरने की विशेषता भी नहीं, तो स्थिर करंट विशेषता भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुछ हद तक डुपिंग विशेषता, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कुछ हद तक भार बढ़ने पर कुछ वोल्टता घट सकती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में डमी क्वाइल किस लिए प्रयुक्त होती है, डमी क्वाइल क्या होती है कि आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बल बनाने के लिए डमी क्वाइल की जाती है। कई बार यदि हम आर्मेचर की वाइंडिंग करते हैं और अनबैलेंस वाइंडिंग होती है, मान लो इसमें कि कोई स्लॉट खाली रह जाता है, तो उस खाली स्लॉट का क्वाइल में क्वाइल के वजन की पूर्ति करने के लिए यदि उस खाली रख देते हैं तो वह कंपन करने लग, जब घूर्णित होता है तो वह कंपन करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्वाइल डालकर छोड़ देते हैं जिसका कनेक्शन नहीं करते हैं, ताकि उसका संतुलन हो जाए हम प्रत्येक तरह से, तो डमी क्वाइल उसे कहते हैं जिसको हम केवल क्वाइल तो डालते हैं परंतु उसका कनेक्शन नहीं करते हैं कहीं भी, यानी उसे आउटपुट नहीं लेते हैं कहीं पर भी, तो वह होगी डमी क्वाइल। और ये डमी क्वाइल क्यों करते हैं, आर्मेचर को यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए। अब ऑप्शन देखो, प्रतिघात वोल्टेज को हटाना नहीं, आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करना नहीं, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन लाना सही, मशीन में विकसित हार्मोन्स को हटाना नहीं, हार्मोनिक्स को हटाना नहीं, ए और बी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो गया सी, आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन लाना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का ईएमएफ किस पर निर्भर करता है, कोई भी डीसी जनरेटर है इसके अंदर जो प्रेरित हुआ विद्युत वाहक बल है यानी ईएमएफ है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है पाई जेड एन बट्टा 60 इंटू पी अपॉन ए, यानी पाई पाई जेड एन पी 60 ए, इन कारकों पर निर्भर करता है, यानी फ्लक्स पर निर्भर करता है, चालकों की संख्या पर निर्भर करता है, गति पर निर्भर करता है, पोलों की संख्या पर भी निर्भर करता है, समांतर पथ के यानी विलंबानुपाती होता है इस पर भी निर्भर करता है। अब ऑप्शन देखो, कम्यूटेशन पर नहीं, गति पर, ये रहा गति एन, इस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर यानी ए पर नहीं, ब्रश कॉन्टेक्ट ड्रॉप पर नहीं, ये सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति पर निर्भर करता है, यानी जो दे रखे हैं इनमें से केवल गति पर ही निर्भर करता है, जबकि और भी दिए होते हैं कि फ्लक्स पर, तो फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, चालकों की संख्या इस पर भी निर्भर करता है, पोलों की संख्या इस पर भी निर्भर करता है, समांतर पथों की संख्या इस पर भी निर्भर करता है, तो इन जो दे रखे हैं इन ऑप्शनों में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा कि गति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी डीसी मशीन के एक्साइटिंग क्वाइल किस प्रकार वाउंड किए जाते हैं, यानी एक्साइटिंग का से क्या हो गया, उत्तेजक क्वाइल, यानी डीसी मशीन में फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए जो हम क्वाइल लगाते हैं जिसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, मान लो ये मशीन है और यहाँ पर हम पोल, अब ये पोल है तो इसकी पोल को उत्तेजित करने के लिए जो क्वाइल लगाई जाती है ये कहाँ लगाई जाती है, यानी किस प्रकार वाउंड की जाती है, ये पोल के ऊपर स्थापित की जाती है। अब ऑप्शन देखो, मशीन में, आर्मेचर स्लॉट में, अलग से, पोल के आसपास, इनमें से कोई नहीं,
तो क्या हो जाएगा, यानी ये पोल के ऊपर स्थापित की जाती है, यानी पोल के आसपास स्थापित की जाती है। तो राइट आंसर हो गया डी, ध्रुवों के आसपास। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रॉस फील्ड जनरेटर में पोलों की संख्या 2 है तो इंटरपोल की संख्या क्या हो जाएगी, पोलों की संख्या से डबल 4 हो जाएगी। यानी क्रॉस फील्ड जनरेटर है तो इंटरपोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 4। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग यानी निरसन वाइंडिंग का उद्देश्य किसे न्यूट्रलाइज करना होता है, यानी किसे निरूपित कर यानी विरूपित करना होता है, किसे हटाना होता है। यानी जो निरसन वाइंडिंग कंपेंसेटिंग वाइंडिंग करते हैं वो क्या करती है, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है कि एक अतिरिक्त वाइंडिंग होती है जो मुख्य पोल के ऊपर ही स्थापित की जाती है, आर्मेचर के साथ इसको कनेक्शन श्रेणी क्रम में किया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है, जो आर्मेचर द्वारा जो चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता है, यानी जो विचुंबकन प्रभाव हो जाता है, उसको हटाने के लिए हम कह सकते हैं। तो विचुंबकन प्रभाव को कम करने के लिए कंपेंसेटिंग वाइंडिंग या निरसन वाइंडिंग करते हैं। अब ऑप्शन देखो, इंटरपोल क्षेत्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया नहीं, कम्यूटेटिंग क्षेत्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया भी नहीं, पोल प्रोसेस के अंतर्गत आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया सही है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया ये भी नहीं, यानी जो ये तो अलग हो गया, बी और सी दोनों। यानी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पोल प्रोसेस के अंतर्गत आर्मेचर प्रतिक्रिया, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर कोर के लेमिनेशन की मोटाई लगभग कितनी होती है, यानी डीसी मशीन में जो आर्मेचर की जो कोर होती है उसमें जो कोर की जो प्ले पत्ती होती है यानी जो प्लेट होती है उसकी मोटाई क्या होती है, इसकी मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है, यानी 0.3 mm से 0.5 mm होती है जो कोर होती है, यानी जो पटले पत्ती होती है उसकी मोटाई। किस में देखो, डी ऑप्शन में देखो, 0.3 mm से 0.5 mm, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेबर किसके बराबर होता है, एक वेबर बराबर क्या होता है, तो एक वेबर बराबर होता है 10^8 लाइन, या इसे हम एक वेबर बराबर 100 मेगा लाइन भी कह सकते हैं, यानी 100 मेगा लाइन का हो, क्योंकि 10^6 का हो गया मेगा, 2 यहाँ आगे, तो एक वेबर बराबर 10^8 लाइन या 100 मेगा लाइन, कई बार 100 मेगा लाइन दे रखा होता है वो भी सही होता है, 10^8 लाइन दे रखा है तो भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10^8 लाइन किस में है, बी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया बी, 10^8 लाइन। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण 50 डिवीजन से 10 तक गिर जाता है, यदि 12 ओम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के में जुड़ा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होगा। क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यदि इसके श्रेणी क्रम में यानी इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं तो इसका जो भी माप मान होगा, माप वो 10 स्टेप गिर जाएगा। मान लो ये मीटर है, इसके अंदर 50 स्टेप है, यानी 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50 स्टेपों में ये बटा हुआ है इस प्रकार से। क्या कह रहे हैं कि यदि इसे डायरेक्ट प्रचलित कर रहे हैं तो ये मान लो ये 50 यानी पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा है, यदि यहाँ पर एक 12 ओम का प्रतिरोध लगा दिया जाए तो ये केवल 40 स्टेप ही विक्षेपित होगा, यानी 10 स्टेप नहीं होगा। अब मान लो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है तो धारा का मान तो समान, वोल्टता का मान है अलग अलग। अब एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि यह 50 मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, मान लो कि 50 माइक्रो वोल्ट पर यह पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा है, उदाहरण के तौर पर मान लो कि 50 माइक्रो वोल्ट पर यह पूर्ण विक्षेप दर्शा रहा है। अब कितना दर्शा रहा है, अब 40वां हिस्सा ही दर्शा रहा है तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 माइक्रो वोल्ट, यानी अब इसको 40 माइक्रो वोल्ट मिल रहे हैं जबकि 10 माइक्रो वोल्ट इसे मिल रहे हैं, 10 माइक्रो वोल्ट इस रेजिस्टेंस में खपत हो रहे हैं, 40 माइक्रो वोल्ट इसमें खपत हो रहे हैं, यानी ये रेजिस्टेंस नहीं था
ये मान लो कि 50 माइक्रोवोल्ट पर पूर्ण विक्षेपित हो रहा था। अब 40 में ऐसा ही हो रहा है, इसका से क्या हो गया कि ये 40 माइक्रोवोल्ट तो इसको मिल रहे हैं 10 माइक्रोवोल्ट यहाँ है, तो यानी ये जो 10 माइक्रोवोल्ट है ये कितने हैं, 40 माइक्रोवोल्ट है, यानी इसकी अपेक्षा ये 4 गुना ज्यादा वोल्ट दर्शा रहे हैं, यानी ये 10 है तो ये 40 है, यानी 4 गुना ज्यादा वोल्ट दर्शा रहे हैं, तो इसका जो प्रतिरोध भी होगा वो भी 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि धारा तो समान है, प्रतिरोध क्या होगा, वोल्ट का अनुपातिक रहेगा, तो इसका जो प्रतिरोध है इसके अपेक्षा इसका प्रतिरोध 4 गुना ज्यादा होगा, इसका 12 है तो इसका कितना हो जाएगा, 48 ओम, तो क्या हो जाएगा इस मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 48 ओम। किस ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में देखो, 48 ओम, तो राइट आंसर हो गया ए, 48 ओम। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होता है, यानी जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें जो चुंबकीय प्रवाह का जो मार्ग होता है वो किस प्रकार का होता है, चुंबकीय प्रवाह का मार्ग निम्न रिएक्टेंस वाला होता है, ऑप्शन देखो, उच्च नीचे यानी उच्च रिएक्टेंस नहीं, बी में क्या है, निम्न रिएक्टेंस सही है, सी उच्च चालकता नहीं, निम्न अनिच्छा, अच्छा निम्न प्रतिरोध, बी में क्या दे रखा है, निम्न प्रतिरोध दे रखा है, यानी ए में क्या दे रखा है, उच्च अनिच्छा यानी उच्च रिएक्टेंस नहीं, बी में निम्न प्रतिरोध नहीं, उच्च चालकता नहीं, निम्न अनिच्छा यानी निम्न रिएक्टेंस सही है, ए में क्या है, ए और बी दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, डी यानी निम्न रिएक्टेंस, यानी डी ऑप्शन सही होगा, निम्न अनिच्छा। अगला क्वेश्चन है, वर्ग बी इंसुलेशन किस अधिकतम ताप का सामना कर सकता है, यानी वर्ग बी इंसुलेशन है इसका कार्यकारी तापमान क्या होगा, तो इंसुलेशन को वर्ग के आधार पर कौन कौन से श्रेणी है, वाई ए ई बी एफ एच और सी, जो वाई श्रेणी है इसका कार्यकारी तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ए का 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ई का 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का 130 डिग्री सेंटीग्रेड, एफ का 180 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर एफ का 155 डिग्री सेंटीग्रेड, 155 डिग्री सेंटीग्रेड, एच का 180 डिग्री सेंटीग्रेड, सी का 220 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो बी का क्या हो जाएगा, 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका अधिकतम कार्यकारी तापमान क्या हो जाएगा, 130 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें देखो 130 बी ऑप्शन में देखो, तो राइट आंसर हो गया बी, 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, जो तप्त दीप्ति लैंप होता है इसका फिलामेंट किसका बनाया जाता है, तो इसका फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, किसमें देखो, ए ऑप्शन सही होगा इसका, टंगस्टन, तो इसका राइट आंसर हो गया ए, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोटी जाती है, यानी ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है पटलित पत्तियां होती है इसे एक दूसरी पत्ती को इनेमल्ड द्वारा परत रखा जाता है, यानी इसके ऊपर इनेमल्ड की परत लगाई दी जाती है और एक दूसरी पत्ती को अलग अलग रखा जाता है। अब ये पूछा है कि इनेमल्ड परत क्यों लगाई जाती है, इसको अलग अलग रखने के लिए, यानी अलग अलग क्यों रखा जाता है, एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हमें पटलित पत्ती प्रयोग करते हैं, तो एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम पटलित पत्ती करते हैं, इनेमल्ड से कोट देते हैं। अब ऑप्शन देखो, गुंजन को कम करने के लिए नहीं, लेमिनेटेड के बीच असमंजन प्राप्त करने के लिए नहीं, एक दूसरे से लेमिनेशन को अलग करने के लिए सही है, लेमिनेशन को जंग से रोकने के लिए नहीं, शोर को कम करने के लिए नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी कि एक दूसरे से लेमिनेशन को अलग रखने के लिए, यानी प्रत्येक परत को अलग अलग रखने के लिए हम इनेमल से यानी कोट देते हैं, उस पर परत लगा देते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण भार ताम्र हानि 16,400 वाट है तो आधे भार पर ताम्र हानि होगी, यानी कोई ट्रांसफॉर्मर है जो पूर्ण भार ताम्र हानि क्या कह रहा है, 6,400 वाट है, पूर्ण भार ताम्र हानि पूर्ण भार ताम्र हानि क्या है, 6,400 वाट, पूर्ण भार ताम्र हानि है 6,400 वाट,
तो आधे बार पर तम रानी क्या होगी? तो तम रानी होती है धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी धारा आधी कर रहे हैं तो हानि भी इसका वर्ग के समानुपाती यानी चौथाई कम हो जाएगी। जैसे कि सूत्र क्या है ना कि तम रानी पीसी पावर लो कॉपर लॉसेज यानी पावर लॉस ऑफ कॉपर यानी कॉपर के द्वारा शक्ति यानी पीसी बराबर पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर यानी इसमें से प्रवाहित धारा का वर्ग इंटू आर। यदि आर नियत है तो क्या हो जाएगा जो कॉपर लॉस है वो समानुपाती होगा आई स्क्वायर के। अब देखो इसी से हम हल करना चाहे तो एक सूत्र भी बना सकते हैं कि यदि प्रथम अवस्था में पावर लॉसेज यानी जो तम रानी है वो वन है इस समय यदि धारा प्रारंभिक है तो यदि पीसी टू यानी द्वितीय अवस्था का कॉपर लॉस क्या हो जाएगा आई टू का स्क्वायर। और इसे से ये सूत्र नियम बना सकते हैं कि पीसी वन यानी कॉपर लॉसेज ऑफ वन बट्टा कॉपर लॉसेज ऑफ टू यानी द्वितीय अवस्था का बराबर हो जाएगा प्राथमिक धारा का स्क्वायर बट्टा द्वितीय धारा का स्क्वायर। यदि इस सूत्र से भी हम हल करना चाहें तो इसे हल कर सकते हैं। मान लो पूर्ण भार उदाहरण के तौर पर मान लो कि पूर्ण भार है एक एम्पियर तो आधे भार पर क्या होगा ये कह रहे ना आधे भार पर कम रानी क्या होगी आधे भार का ऐसे क्या हो गया यहाँ रख देते हैं। मान लो कि पीसी वन प्रारंभिक अवस्था में कॉपर लॉस कितना है कम रानी कितनी है 6400 वाट। इस समय धारा क्या है आई वन आई वन बराबर क्या है मान लो कि एक एम्पियर है उदाहरण के तौर पर मान लो एक एम्पियर है। यदि धारा को आधी कर दी जाए या भार को आधा कर दिया जाएंगे तो धारा आधी हो जाएगी तो आई टू बराबर क्या हो गया 0.5 एम्पियर। अब इसे सूत्र से हल कर लो ये सूत्र क्या है अपना कि पीसी वन बट्टा पीसी टू बराबर आई वन का स्क्वायर बट्टा आई टू का स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है द्वितीय यानी कॉपर लॉसेज ऑफ द्वितीय यानी द्वितीय अवस्था का या अर्ध भार पर कॉपर लॉस क्या होगा यह ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा कि पीसी टू बराबर क्या हो जाएगा पीसी वन इंटू आई टू का स्क्वायर बट्टा आई वन का स्क्वायर। यह क्या है 6400 वाट 6400 इसका मान कितना है आई टू 0.5 तो 0.5 इंटू 0.5 बट्टा आई वन एक तो एक इंटू एक क्या हो जाएगा एक को एक से गुणा किया एक 0.5 को 0.5 से गुणा किया तो कितना हो गया 0.25 तो 6400 इंटू 0.25 और इसको हम हल करेंगे 6400 को 0.25 से हल करेंगे तो यानी चौथा हिस्सा हो जाएगा कितना हो रहा है 1600। इस अवस्था में इसकी जो शक्ति हानि होगी वो क्या हो जाएगी 1600 वाट यानी चौथाई हो जाती है। डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं कि विधि यानी जो तम रानी है वो भार के वर्ग के समानुपाती होती है यदि भार को आधा करें तो इसका वर्ग यानी चौथाई हो जाएगा आधे का चौथाई हो जाएगा यानी वर्ग हो गया तो 1/4 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगी यानी 1600 वाट होगी। अगला क्वेश्चन है तंत्रक घुमावदार कोर प्रकार ट्रांसफॉर्मर में किसके साथ उपयोग किया जाता है यानी संधारित्र घुमावदार कोर प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर है ये किसके साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो कोर के बगल में स्थित हाई टेंशन घुमाव यानी जो एसटी घुमाव होती है वो कोर के बगल में होती है नहीं कोर के बगल में स्थित एलटी घुमाव सही है यानी कोर के बगल में पहले यानी कोर के बगल में जस्ट एलटी घुमाव स्थापित लगाए जाते हैं बाहरी तरफ एलटी घुमाव नहीं बाहरी तरफ एचटी घुमाव और एलटी घुमाव दोनों एचटी घुमावदार और एलटी घुमावदार कोर के बगल में रखे जाते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी कोर के बगल में स्थित एलटी घुमावदार यानी लो टेंशन घुमावदार है वो कोर के बगल में स्थापित करते हैं तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफॉर्मर के सभी आकारों के लिए आमतौर पर किसका उपयोग करने के लिए बेहतर है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है विभिन्न आकार चाहे वो कितने आकार का हो मान लो कि वो 10 kVA का है या 16 kVA है या 25 kVA है या 40 kVA है इनमें उपयोग करने का बेहतर बेहतर है यानी इसमें क्या समानता हम कह सकते हैं जो भी है
तो आप देखो रेडिएटर टैंक, ट्यूब टैंक, नलीदार टैंक, सादा चादर स्टील टैंक, अलग कूलर के साथ टैंक, यानी इसमें क्या होता है, इसमें सभी में ट्यूब टैंक होता है, यानी सभी में ट्यूब टैंक का ही के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, ट्यूब टैंक। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।